एक और एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाएंगे और ये एग्जाम्पलर आपका है ट्राइंगल चैप्टर से और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर है। कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसके अंदर आपको ज़्यादा सिमिलैरिटी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिंपल सा एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाना है और आंसर लेकर आना है। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखिए कितना सिंपल मेथड से इसको सॉल्व कराता हूँ मैं। इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है, लेट ए बी द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। तो पहले कोई राइट ट्राइंगल बना लो, ठेणे 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 ये बना लीजिए। इसका पूरा एरिया कितना दे रखा है, एरिया अपने को ए दे रखा है ऑफ राइट ट्राइंगल एंड बी वन ऑफ इट्स साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल। इसमें से कोई एक साइड ले लो, मैंने मान लिया ये बी साइड है, क्लियर। इसका नाम दे दो ए बी सी, नाम तो वैसे दिया नहीं, आप अपने पास से दे दीजिए ए बी सी। इसमें से एक साइड कितनी ले लो आप, बी ले लो, ओके। देन प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पर प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पर एल्टीट्यूड यही तो होगा। इसकी वैल्यू बतानी है, किसकी, एक्स की वैल्यू बतानी है, हाइपोटेनियस बी डी है ना। तो देखिए इसके अंदर कोई सिमिलैरिटी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ। और एक क्वेश्चन के अंदर मैंने पहले ही बताया था कि बिंगो मैड एंगल की तरह आप क्या करिए, इसका एरिया दो तरह से निकालिए, बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और दूसरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आंसर आ जाएगा अपने आप। लेकिन मसला ये है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर तुम्हें बी तो मालूम है लेकिन ये साइड नहीं मालूम है, लेकिन उसके लिए अपने को एरिया तो दिया है ना। पहले एरिया से आप क्या करिए, इसके ये साइड निकाल लीजिए। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होगा। तो एरिया कितना है ए, ये हो गया हाफ, ये कितना है बी और ये कौन है बी सी। तो बी सी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, टू ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी सी। तो ये बी सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, टू ए अपॉन बी, क्लियर, दिख रहा है नहीं, ओके बच गए थोड़ा सा। हाँ तो देखें ये साइड आ गई अब आपके, है ना। अब एक एरिया आप कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये एरिया के लिए अपने को एसी नहीं मालूम है, तो पाइथागोरस तो पता है ना, दोनों साइड आ गए पाइथागोरस से। अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए बी की वैल्यू कितनी होगी, बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना हो गया, 2a अपॉन b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, b स्क्वायर अपना ले लो एलसीएम, b स्क्वायर एलसीएम लेने से क्या होगा, b रेस टू 4 प्लस 4a स्क्वायर। अब यहाँ से ए सी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अंडर रूट b रेस टू 4 प्लस 4 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी की पावर 4 प्लस 4 ए स्क्वायर अंडर रूट में और नीचे बी आ जाएगा, बी स्क्वायर का कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो देखो मिलता जुलता आ रहा है ना। बस अब अपने को क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा देना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसके अंदर ये वाला अपने को हाइट बतानी ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये वाला फॉर्मूला हम लेंगे, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। और फिर से क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस ए सी और इंटू हाइट, हाइट कौन होगी, एक्स, यही तो परपेंडिकुलर है। तो देखिए एरिया हमें मालूम है कितना है, ए, और ए सी हमारे पास आ चुका है, कौन है, अंडर रूट बी की पावर 4 प्लस 4 ए स्क्वायर अपॉन बी, राइट। और ये कितना हो गया, एक्स, 2 बी का अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 ए बी, 2 ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, बी रेस टू 4 प्लस 4 ए स्क्वायर इंटू एक्स, ये नीचे ले आइए तो कितना हो गया, 2 ए बी अपॉन अंडर रूट बी रेस टू 4 प्लस 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर, x के बराबर। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। मज़ा आया ना, हाँ अगर मज़ा आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें, मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है, गुड लक।